आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। पूज्य बंधु बेलड़ी आचार्य भगवंत के शिष्य रत्न आजीवन गुरुचरण सेवक बाल ब्रह्मचारी प्रभावक प्रवचनकार आध्यात्म योगी परम पूज्य पद्मचंद्र सागर महाराज साहब एवं साधु साध्वी भगवंत का रेस कोर्स रोड श्री संघ में भव्य चातुर्मास प्रवेश रविवार 30 जून को आचार्य मुक्ति सागर सूरी महाराज साहब के सानिध्य में हुआ। विशाल मंगल प्रवेश जुलूस यशवंत निवास रोड रानी सती गेट स्थित शिखर चंद डॉक्टर प्रकाश बंगानी के निवास से प्रारंभ होकर बास्केटबॉल एरिना पहुंचा, जहां विशाल धर्म सभा हुई। श्री श्वेतांबर जैन तपागच उपाश्रय ट्रस्ट के सचिव यशवंत जैन, प्रवीण गुरुजी, नवकार परिवार के महेंद्र शाह एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ समाज के लिए यह चातुर्मास अत्यंत गौरवशाली हो गया है, क्योंकि इस बार शहर में पढ़े लिखे और बड़े हुए युवा दीक्षा लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में गणी की पदवी लेकर पुनः चातुर्मास के लिए इस बार इंदौर पधार रहे हैं। इनमें युवा गणी पद्मचंद्र सागर महाराज साहब भी शामिल हैं, जिनके मंगल प्रवेश की मंगलमय बेला में शहर में 13 जगह चातुर्मास के लिए पधारे 93 साधु साध्वी भगवंत ने भी उपस्थित रहकर पावन निश्रा प्रदान की। शहर के सभी प्रमुख जैन श्री संघों के ट्रस्टी, श्रावक श्राविका, गुरुभक्त एवं जन शासन में आस्था एवं श्रद्धा रखने वाले साधक भी उनके वंदन और अभिनंदन के लिए जुलूस में शामिल थे। देखिए, जैन धर्म के अंदर 4 महीने बारिश का समय होता है और उस समय पानी रहता है जमीन पे, और हमारी मान्यता है कि पानी में अनेक जीव होते हैं, तो उनकी विराधना नहीं हो, उनकी हिंसा नहीं हो, इसलिए 4 महीने साधु भगवंत एक जगह विराजमान होते हैं। तो वो आज प्रसन्नचंद पद्मचंद सागर जी महाराज साहब का प्रवेश था, और साथ में 2 आचार्य भगवंत मुक्ति रत्न सागर जी और अभय अचल चंद सागर जी महाराज साहब साथ में, उनका पिपली बाजार में है, लेकिन आज वो साथ में यहाँ पधारे थे। और आज ये सारे जो लोग 50-60 साध्वी जी उपस्थित थे, तो वहाँ से अपने एक जगह से चलते हैं, यहाँ आते हैं और गुरु भगवान धर्म की एक सभा देते हैं, एक शिक्षा देते हैं। तो आज वो हो गया है। अब बाकी लोग जो यहाँ लोग थे, जो यहाँ उपस्थित थे, उनका सामूहिक खाना होता है, तो वो उसको समसामी वात्सल्य बोलते हैं, तो वो अब हो गया है। और अब ये 4 महीने जो साधु भगवंत हैं वो उपाश्रय में एक ही जगह निवास रखेंगे, जैसे बीच में कभी पोजिशन वगैरह कोई फंक्शन है तो बाहर जाते आते हैं, पर अधिकतर उनकी साफ जो रहते वहीं उपाश्रय में, जहाँ उनका चातुर्मास है। संदेश देना चाहेंगे सर? क्या चातुर्मास जैन परंपरा में भी नहीं, सिर्फ हिंदू परंपरा में भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। और जैन परंपरा में तो जितनी तप तपस्याएँ आराधनाएँ होती है, जैसे हमारे यहाँ एक आयम्बिल तप चालू होता है, तो आयम्बिल में क्या होता है कि लुखा खाते हैं, जैसे 5 विरह के त्याग रहते हैं, घी तेल शक्कर दूध दही या कुछ भी यूज नहीं करते हैं, अलूना रहता है पूरा। कभी कभी एक ही चीज़ से भी पूरा आयम्बिल होता है, जैसे चावल है तो सिर्फ चावल ही लेंगे, मूँग है तो सिर्फ मूँग लेंगे, इस प्रकार से ये होता है। फिर हमारे उपवास की तपस्याएँ चालू होती है, जो कि कभी 20 रोज की है, कभी 30 रोज की, इस टाइप से होती है। मांस खमण भी इस पीरियड में होते हैं, अठाई होती है, तेला होता है, ऐसी बहुत सारी आराधनाएं होती है। इसमें अधिकांश जो है हमारे श्रावक है वो गर्म पानी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी के भी असंख्य जीवाणु एक बूंद के अंदर भी होते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी गुरु भगवान का जब चातुर्मास होता है तो उनके द्वारा जो भी बताया जाता है उससे हम अपने पापों की निर्जरा करते हैं। कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम जानते अजानते करते हैं, लेकिन जब गुरु भगवान पधारते हैं तो वही चीज़ें जब उनके मुखारविंद से सुनते हैं तो हमारे जीवन में हम परिवर्तन। भव्य जुलूस भी निकला, क्या कहना चाहिए? अहिल्या की पवित्र पावन स्वच्छ इंदौर की हमारी इंद्रपुरी नगरी, ऐसे इंदौर के अंदर आज इतना बढ़िया काम हुआ है कि पूरे इंदौर में पूरे चातुर्मास के अंदर बहुत सारे गुरु भगवंतों की छत्र छाया बरसने वाली है। तो उसी की कड़ी पूरे जो इंदौर में शुरुआत होगी, लगभग 200 जैन संत इंदौर के अंदर चातुर्मास के लिए आए हुए हैं। आज सबसे पहले चातुर्मास प्रवेश रेस्कोस रोड के ऊपर गणिवर्षी पद्मचंद्र सागर जी महाराज साहब का हुआ है,
और आज से जो लड़ी शुरुआत हुई है ये पूरी 20 जुलाई के पहले पहले तक हर जगह पर पूरे इंदौर के अंदर करीबन 15 से 20 स्थानों के ऊपर गुरु भगवंतों के चातुर्मास होंगे। वहाँ सब आज के बाद डेली प्रतिदिन वन बाय वन हर जगह पर चातुर्मास प्रवेश की शुरुआत होगी। उसकी शुरुआत आज रेसकोर्स रोड पर हुई है, जिसका तपागत जैन श्वेतांबर संघ रेसकोर्स रोड वालों ने ये पूरा जिम्मा उठाया है। और यहाँ जितने भी खड़े हैं सब रेसकोर्स रोड ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं नौकार परिवार, जिसके अंदर इंदौर के अंदर 500 युवाएं जैन समाज के कार्यरत हैं, जो कंटिन्यू जिन शासन के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सब युवाएं और अपने मैरून कलर के गोल्डन कलर के जैकेट के अंदर खड़े हुए हैं। और आज इतनी खुशी की बात है कि जबरदस्त जनमेदनी, लगभग 4 से 5 हज़ार पब्लिक यहाँ आई हुई है और बहुत अच्छी तरह से आज गुरु भगवान का यहाँ वर्षावास हेतु प्रवेश हो चुका है। अब 4 महीने तक कंटिन्यू गुरुदेव की वाणी बरसेगी, जिससे हम सब तृप्त होंगे। गुरुदेव हमें बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, कितना अच्छा धर्ममय जीवन, सदाचार रूप जीवन और बिल्कुल निष्पक्ष जीवन हमें जीना चाहिए। ये 4 महीने के अंदर गुरुदेव हमें समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह से पूरे इंदौर के अंदर 200 संत, लगभग 40,000 लोगों को अपनी धर्म प्रभावना दे करके इस इंदौर को वापस से स्वच्छता इंदौर के अंदर एक कड़ी मिक्स करते हुए इसको वापस से स्वच्छता की कड़ी में और एक बराबर धर्म की नगरी के अंदर इसको बराबर कायम रखते हुए इंदौर श्री संघ में इस चतुर्मास में 24 और 25 का चतुर्मास, कम से कम 93 का चौमासा इस इंदौर को प्राप्त हुआ है साधु साधु भगवंतों का, जिसमें सागर समुदाय के 53 साधु साधु भगवंतों का आवागमन हुआ और सबका चौमासा जोरदार भरपूर इतना जाहोर माहौल बनेगा कि पूरी नगरी धर्म थी एकदम जाहोर जला से आगे आगे बढ़ेगी। ऐसी प्रेरणा है, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है और आप श्री संघों का भी उपकार है। इतना बड़ा चतुर्दास समुदाय पहली बार ही हो रहा है, जनसंख्या इतनी जोरदार तादाद में है, गुरु भगवंत का आशीर्वाद भी है। हम चाह रहे हैं कि ये चौपास में सभी गणमान्य और सभी श्रोता लोग ये चौतरफा का पूरा पूरा लाभ लें। महाराज श्री का जो मंगल जुलूस निकला, कहाँ से कहाँ तक निकला और किस तरह? आज महाराज सभी का जो समय निकला वो शिखर चंद जी नागौरी साहब, जो हमारे मेन इंदौर की धरोहर है, वहाँ से निकल के सीधा अपने रेस्कोस रोड उपाश्रय के निकल के मांगलिक करके सीधे अपने बास्कोट बेल में पधार रहे हैं। चतुर्मास के लिए सब तैयारियाँ चल रही है, संतों का लगातार आगमन अब शुरू हो चुका है, आज से क्या कहना चाहेंगे? बंधु बिलड़ी आचार्य भगवान जिन चंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराजा और हेम चंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराजा, जिनका असीम उपकार इस मालवा की भूमि पर और खास करके इंदौर पर रहा है और उन्होंने अपने शिष्य संपदा को हमेशा बार बार इंदौर की विनंती को स्वीकार करके बार बार गुरु भगवंतों को चौमासे के लिए यहाँ पे भेजा है, इसलिए और इंदौर पूरे शहर के अंदर बहुत खुशनुमा माहौल है कि उनके खास परम शिष्य पद्मचंद्र सागर जी महाराजा का चौमासा रेस्को श्री संघ को मिला है और रेस्को श्री संघ की विनंती को स्वीकार करके उन्होंने यह चौमासा दिया है, उनकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।